बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार बोर्ड से 2020 में वैसे गर्ल्स एवं बॉयज़ जो मैट्रिक की परीक्षा पास की है, चाहे वो फर्स्ट डिवीज़न हो या सेकेंड डिवीज़न, उसके लिए कल्याण विभाग के तरफ से प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये देने का जो इंतज़ाम किया गया था, इस पर कई रिपोर्ट्स दी गई थी एग्ज़ाम का जब डेट आया था उस वक्त। तो अब कल्याण विभाग के वेबसाइट पर एक लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है, जिससे वो तमाम छात्र छात्राएं जिन्होंने 2020 मैट्रिक की परीक्षा में अपीयर हुए थे और अच्छे अंक से पास हुए थे, उनको ये पैसे दिए जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि पहले उनको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने से पहले भी आपको ये चेक करना होगा कि आपके इसमें नाम आए हैं या नहीं आए हैं। जिस भी कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम नहीं होगा, उनको ये पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से नाम चेक कर सकते हैं कि आपका है या नहीं है, और यदि आपका नाम है तो उसके बाद जस्ट हम आपको बताएंगे किस तरह से आप इस पैसे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नाम चेक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर जैसे आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। आप देख पा रही है ई कल्याण की ऑफिशियल वेबसाइट है, और सबसे आप नीचे आएंगे, आप देख पा रहे हैं पूरी इंटरफेस आपके सामने है। सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास प्रोत्साहन योजना, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं और नीचे इंस्ट्रक्शन भी दी गई है कि कहीं भी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा नहीं करना है। तो इस ब्लू कलर वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है और थोड़ा इंतज़ार करना है। उसके जस्ट बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहां पर अप्लाई करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, साथ ही लिस्ट में अपना नाम चेक करने का ऑप्शन दिया जाएगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो सारी जानकारी यहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दाहिने साइड में जो इम्पोर्टेंट लिंक है वहाँ पर है क्लिक हियर टू अप्लाई और क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस एंड वेरीफाई नेम एंड अकाउंट डिटेल्स। उससे जस्ट बाएं साइड में आप देख पा रहे हैं कि यदि नाम आपका आ जाता है तो आपको कौन कौन सी डिटेल्स आपको देनी है, बैंक अकाउंट नंबर, लेकिन कंडीशन यह है कि वो बिहार के ही किसी ब्रांच से होना चाहिए, बिहार में ही वो बैंक का ब्रांच लोकेटेड होना चाहिए, साथ ही आधार नंबर, मोबाइल नंबर और इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र। और नीचे जो 5 नंबर में वही चीज़ है कि बैंक अकाउंट होना चाहिए, बिहार के ही किसी ब्रांच से वह अकाउंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि नाम लिस्ट में है या नहीं है। उसके लिए आप देख पा रहे हैं दाहिने साइड में जो एक लिंक है रेड कलर का, वेरीफाई नेम एंड अकाउंट डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद थोड़ा इंतज़ार करना है। यहाँ पर अभी काफ़ी सर्वर बिजी है, जिसके कारण थोड़ा साइट खुलने में लेट लग रहा है। तो वेरीफाई नेम एंड अकाउंट डिटेल्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, अभी सर्च हो रहा है, थोड़ा इंतज़ार करें। उसके जस्ट बाद आप देख पा रहे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको कहा जाएगा, साथ ही जो भी आपका कॉलेज है वो सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं मुजफ्फरपुर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मुजफ्फरपुर मैंने सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद से ये फिर एक बार सर्च करेगा ताकि मुजफ्फरपुर में जो भी हाई स्कूल है सभी के लिस्ट ये निकाल सके। तो थोड़ा वक्त यहाँ भी देना होगा। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं अब मुजफ्फरपुर के सारे कॉलेज के लिस्ट आ गए हैं। अब आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। मैं अमरवाड़ी हाई स्कूल सेलेक्ट करता हूँ, जो मैं अभी खोज रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं एम्स यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल सेट किया गया है, तो आप देख पा रहे हैं ऊपर यहाँ पर है मरवारी हाई स्कूल, आप देख पा रहे हैं मैंने सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद से बी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। बी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद भी आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, सर्वर काफ़ी बिजी है। तो आप देख पा रहे हैं ये ओपन हो रहा है, और जस्ट ओपन होने के बाद आप देख पा रहे हैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के जो भी मैंने यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट किए थे और स्कूल में जितने भी बच्चे का नाम आया है, इन सभी को वो पैसे दिए जाएंगे। आप देख पा रहे हैं अभी किसी ने भी, आप देख पा रहे हैं दाहिने साइड में नॉट सबमिटेड अभी नई नई ये पोर्टल को एक्टिवेट किया गया है, तो अभी छात्रों ने यहाँ पर सबमिट नहीं किया है। आप देख पा रहे हैं बैंक अकाउंट स्टेटस में यहाँ पर नॉट सबमिटेड है। यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स, आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा, साथ ही आपको आधार नंबर देकर के वेरीफाई करवाना होगा। यदि इस लिस्ट में आपका नाम है तभी आपको यह पैसे दिए जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में किस तरह से आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।